गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है यहाँ शेराज में और मैं उठ गया हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग टूर पे जा रहे हैं। पर्सेपोलिस नाम की एक जगह है, बहुत तारीखी जगह है। आज से हज़ारों सालों पहले यहाँ पे बेसिकली एक एम्पायर थी जिसका नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो उनका कैपिटल था ये और उनका आर्किटेक्चर और उनके आसार अभी वहाँ पर बाकी है। बहुत ही तारीखी जगह है। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, हम पांच बंदे कार में बैठे हैं और पांच मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं हम लोग। और ये तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है शेराज शहर से, एक घंटा लगेगा कार में। अभी हम लोग जा रहे हैं, अच्छा फास्ट जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के आपको मैं ये सारा रास्ते में भी दिखा देता हूँ और वो भी दिखाऊँगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये टूर सिर्फ जो है इसको $10 इसके लगेंगे एक्सपेंसेस आने जाने के। इसमें एक कार भी इंक्लूड है और पिक एंड ड्रॉप इंक्लूड है वहाँ पे हमारे हॉस्टल में। पर्सेपोलिस के टूर में हमारा पहला स्टॉप आ गया है और इसका पर्शियन नाम है नक्शे रुस्तम और नेकोपोलिस इंग्लिश में। यहाँ पे पुराने बादशाहों की कब्रें हैं और ये माउंटेन है, बहुत ही यूनिक किस्म का माउंटेन है और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखिए यार, व्हाट अ प्लेस। Tombs belongs to Achaemenid dynasty about 500 years before Christ, 2500 years ago or 500 years before Christ. Belong to Achaemenid Empire, the first empire in Iran and also the first biggest empire in the world. भाई ये 5000 साल पुरानी जगह है और इसमें कब्रें बनी हुई है बादशाहों की जो 5000 साल पहले यहाँ पे हुक्मरान थे, बादशाह थे और उनका अपना एक सिस्टम था, अपना एक मज़हब था। तो यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि वो बादशाहों की जो तीन कब्रें हैं वो पहाड़ के बिल्कुल बीच में बनी हुई है। ये जो बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है ये कब्र है जो पहाड़ के बीच में है, ये सबसे ख़ास बात है। उस ज़माने में जो मज़हब था इनका तो उस हिसाब से ये लोग ज़मीन पे कब्र नहीं बनाते थे, ये पहाड़ में बनाते थे क्योंकि ज़मीन में कब्र ख़राब होने का खदशा होता था। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक किस्म का माउंटेन है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है ये छोटी सी। अभी जो हमें इसकी हिस्ट्री बताई गई है ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इसकी हिस्ट्री है। तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं पर्सेपोलिस और अभी हम यहां से सामने से टिकट लेंगे और उसके बाद एंटर होंगे द रोइंस ऑफ पर्सेपोलिस, हज़ारों साल पुराने बादशाह या किंगडम के
آخری اثرات. ٹکٹ لے لی ہے پرسی پولیس جو میوزیم ہے یا جو پلیس ہے, 2 لاکھ ایرانی ریال کی ٹکٹ ہے, اور تقریباً جتنی بھی یہاں پہ جگہیں ہیں ہسٹوریکل سب کی فیس جو ہے انٹری فیس وہ 2 لاکھ ایرانین ریال ہی ہے. تو ابھی ہم لوگ سب جائیں گے گروپ میں, پرسپولیس میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں, اور یہ سٹیئرز اوپر کی طرف گئے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھنے والے ہیں ایک عجوبہ. اور یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا ہے, ایک ہم نے سٹاپ کیا ہے اس کو ملا کے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا ہے ٹوٹل, اور ابھی ہم پہنچ ہی گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ سٹیئرز اوپر کی طرف گئے ہوئے, اور ہرا ہم پہنچ گئے. Be a place like, you know, you and these days people from different countries, they came here for big celebrations, ceremonies, and also to visit the emperor. When Darius the Great came here for the first time, he built that palace with a lot of big columns. It used to have 72 columns and also big walls and roof. Now very few of the columns are remained, mostly we have the stone parts. پرسپولیس جو ہے یہ پورا ایک رائل کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے. تو رائل کمپلیکس ہے اس کا, یہ جو ہے انٹری ہے اس کی, مطلب اس زمانے میں یہ گیٹ ہوتا تھا, وہ والا جو ہے پہلے انٹری گیٹ ہے, اور اس کے بعد یہ دوسرا انٹری گیٹ آ رہا ہے, اور اس کے بعد یہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے جو کمپلیکس ہے یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جس میں 10 سے زیادہ پیلیسز ہیں, محل ہے, لیکن ابھی اس کے صرف باقیات ہیں. یہ ہمارے گائیڈ ہیں محمد, محمد دی گریٹ. اونلی ہاؤ مینی پیلیسز آر ہیئر ان دس؟ دیر آر اباؤٹ 10 پیلیسز. 10, دس از دی ون. دس از دی ون. اوکے, دی نیکسٹ 9, دی نیکسٹ دی پرائیویٹ پیلیس اف داریس دی گریٹ, دی پرائیویٹ پیلیس اف رکسس, دی ہارم, پیلیس اف کوئین, سینٹرل پیلیس, پیلیس اف آرمی, انفینشڈ پیلیس, دی گیٹس سیملر ٹو پیلیس. Okay. We are going there. Yeah. بہت ہی محنت کی گئی ہے اس ان پیلیسز کے اوپر, یہ جو کمپلیکس میں ہے, اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اوریجنل حالت میں ہے, اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ سٹون سے, پتھروں سے بنائے گئے ہیں. یہ ہے امپیریئر کا پرسنل پیلیس, سیم لائک ایجپشن پیلیس.
Persepolis ke andar jo hai coffee shops aur rest ki jagah bhi hai. To bandar tak jata hai, garmi hai. To beech mein ye hai ki chai, coffee, thanda garam wagaira pee sakte hain. Baithne ki bhi jagah hai, bahut zabardast. Aur bathrooms bhi hai samne khawateen aur hazrat ke liye. Hamara tour guide Muhammad aur main jo hai yahan pe thoda sa rest kar rahe hain. Aur juice pee rahe hain aur saath mein cake kha rahe hain. To dobara continue karenge. So Muhammad, yeah, you do this every day? It's a low season for us these days. Summer is a low season for us. Mm-hmm. What is the season? High season. Our high season is spring. Spring. March, April, May. Mm-hmm. So also fall is good because the weather is getting cool. But you know, summer is low season. But there are a few tourists. Mostly, I don't come here a lot, but because my main job is trekking tours. Trekking, and hiking. We go to the mountains to visit nomads and we do trekking. Mm-hmm. It's my some. If there is no tour for the mountains, I come here. In winter, you are so busy. Spring. Yeah. You are busy. Every day I'm in the mountains. You are in the mountains. Yeah. That means so many tourists come here. Yeah. Comparing to touristic countries is nothing. Like Turkey. Yeah, comparing to Turkey or France is nothing. Because, you know, last year there were about 5 million tourists in Iran. In Iran. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Will you visit Pakistan or not? Tell in the camera. Will you visit or not? Me? I've not visited. I've not been there. No, you are going to visit or not? Of course, you know, maybe I love the mountains. I know that, you know, K2 is in Pakistan. K2 is in maybe Pakistan. I come to visit K2. अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहां से ये पूरा जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ये नजर आता है. टॉप पे हम जा रहे हैं सब लोग. شدید गर्मी भी है लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लीट करना है ये टूर. तो अभी तक तो सही है, मजा आ रहा है बहुत. वो सामने से हम लोगों को इस तरह नजर आ जाएगा सर. अभी यहाँ टॉप से ना ये पूरा एरिया जो है मुकम्मल नजर आता है. यहाँ से नीचे अगर आप उसमें घूमते हैं तो बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है. लेकिन यहाँ से भी एरिया तो बड़ा है लेकिन ऊपर से छोटा नजर इसलिए आ रहा है कि पूरा नजर आ जाता है आपको ना. ये सुपर टॉप पे आए हुए हैं तो ये वाला व्यू जो है ना ये बेस्ट है इसको देखने के लिए. My name? The place we visited. Persepolis? The Acropolis. Persepolis and Acropolis. Persepolis. Ah, gee. Are you joking? You say it 10 times and times. You're yes. Here and you remember Persepolis, the most. This is it. Persepolis ka tour ho gaya complete. Achha tour tha, economical bhi tha, itna mehenga nahi tha. 1000 rupees mein mere khayal se itna mehenga nahi hai. Aur total isme lage hai mere khayal se 6 ghante lage hai. Do jagah humne visit kiye, bahut maza aaya. Ye hamara guide jo hai Mohammad, iska bhi bahut maza aaya. Aur ye hamare sath peeche jo hamare dost hai, salam. Walaikum assalam. Ye France se hai. Vincent from France. And traveling in Iran by bicycle. Yes, the most hard adventure. No, you're on YouTube. The most hard adventure. Do you have a YouTube channel? Yes, I have a YouTube channel. You can subscribe, yeah. Yes, you can mention the name of the channel. I don't know the name. I cannot have a name. I have a YouTube channel as well. Whoa. Makeup. Okay, name your channel. No, it's a joke. No, but you cannot name your channel. 55,000 subscribers if are coming below to you. If you are below 10 subscribers, you cannot give a name to your channel.
I have 9 subscribers. 9 subscribers. It's too a much. Private club YouTube channel, yeah. No? Exclusive. Super VIP. You need to be super VIP. Thank you very much. Him. It was a great time with you, spent there in the mountains. Was it hot? How many degrees? Huh? 40 degrees. 40 degrees. So hot. So, milte hain aapse next tour mein. Jab ye city tour start hoga, thodi der ke baad, ek chote se break ke baad.